बताइए अध्यक्ष महोदय, जब आप उस पीठ पर बैठे हैं, जब आप अध्यक्ष बने थे, बधाई में मैंने यही कहा था कि राइट की तरफ कम देखना, बाई तरफ ज्यादा देखना। मैं उधर देख ही नहीं रहा, जब से बैठा हूं तब से आप ही को देख रहा हूं। जिस सरकार को मानव अधिकार में नोटिस दिया हो और ये कहा हो कि प्राथमिकता पे बच्चों का इलाज सबसे पहले होगा, उसके ऊपर महोदय एक पिता सीता में दीजिए, उसको चला अपने बच्चे को इलाज कराने के लिए ऑक्सीजन साथ लेकर के आप सुसंगत नियमों में इलाज मिला, आपको में इलाज मिला, तो आप अध्यक्ष महोदय ये बताइए ये सवाल महत्वपूर्ण है कि नहीं है। मेरे हिसाब से आप जो कह रहे हैं ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जो प्रश्न लगे हैं लॉ एंड ऑर्डर से लगे हैं, जो प्रश्न लगे हैं आज की डेट में, ये शिक्षा से संबंधित लगे हैं, शिक्षा भी इम्पोर्टेंट है, आप साइबर क्राइम के संबंध में लगे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, विनोद चतुर्वेदी जी ने लगाया है कृषि योग्य उस बंजर भूमि का, वो कौन सा इम्पोर्टेंट कौन सा नहीं है। जिस समय हम यहाँ चर्चा करते हैं तो हर क्षेत्र के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं, सबको लेना मेरी जिम्मेवारी है। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित जिस समय होगा उसको भी लेंगे। तो ये मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण है लोगों का जीवन बचाना, और आज सबके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए हम माननीय नेता प्रतिपक्ष ने प्रस्ताव किया है कि सभी नियमों को निलंबित करते हुए जो प्रस्ताव है उनका, उस पर आप ग्राह्यता पर सुन लें और उसके उस पर चर्चा करा दें। मान्यवर, ये हमारा प्रस्ताव है। मान्यवर, इसमें इतना समय जाया करने से इतने समय में तो बात आ जाती, इसलिए मेरा आदरणीय वर्मा जी, मैंने जो अभी तक ये परंपरा रही नियम 311 के बारे में जब भी चर्चा होती थी तो ये कहा जाता था कि क्योंकि पहले नहीं सुना गया इसलिए नहीं सुनेंगे। मैं इसके ऊपर इस मेरिट्स में नहीं जा रहा कि आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे ने नहीं सुना इसलिए मैं नहीं सुनूंगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा। मैं इसलिए जा रहा हूं कि वो मेरिट्स कैसे बनती है इसके ऊपर डिस्कशन हो, वो आप बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं कि मानव अधिकार ने सरकार को नोटिस दिया, एक पिता अपने बच्चे को ऑक्सीजन लेकर के सीतापुर से चला, लखनऊ में इलाज नहीं मिला, नोटिस का जवाब सरकार को देना है या उस इंस्टीट्यूशन को देना, ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय। चलिए, मैं आपके नियम 311 की नोटिस अग्राह्य करता हूं, नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या एक, मैंने उसको अग्राह्य कर दिया, मैंने सुना, निश्चय मेरा है, जान नहीं बच सकती, निश्चय इसमें अध्यक्ष का होता है। मैं आपके 311 की नोटिस को अग्राह्य करता हूं। अब उसमें आते हैं और क्या, अध्यक्ष जी।